जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूँ डायनामैक्स। और भाई पिछले 2-3 दिनों से मेरी हालत हो रही है भयंकर ख़राब। बहुत ज़ोर का फीवर आया हुआ है और वो बोलते हैं ना, देगी मिर्च का तड़का अंग अंग भड़का, वैसे ही मेरा अंग अंग दर्द दे रहा है। बॉडी में ना जाने कितने जॉइंट्स कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है। लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा फीवर आया है। लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई जल्दी वीडियो बना दो, क्योंकि तो लोगों को जानना है कि येल्लो सैल्मन्स क्या है, कैसा है। हालांकि लूनाला में लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं है, लोग बैठे हैं सोलगालियों के इंतज़ार में। तो आगे बढ़ने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और अगर ये गेम डाउनलोड करके खेलना चाहते हो तो ये जो वीडियो आपको दिख रही है अभी, इसको देख लेना। वरना ये भी आप अगर सर्च ना कर पाओ तो चैनल को सब्सक्राइब करके होम सेक्शन में जाओगे आप, तो आपको सबसे टॉप पे वहीं पे यही वीडियो दिखेगी। तो वहाँ से जाके आप ये गेम डाउनलोड कर सकते हो, वो लेटेस्ट वीडियो है गेम की। वहाँ से आप आराम से गेम डाउनलोड कर सकते हो और इसको खेल सकते हो मेरे साथ। तो इस बार के इवेंट में जो मेन पोकेमॉन्स आए वो है ये येल्लो सैल्मन्स और ग्रीन लूनाला। इनके अलावा देखा जाए तो ये स्नोई वीवाइल आया है, फॉरेस्ट गार्डिवॉर आया है, इसके बाद समर आर्शियस और ट्रैकनोइड काटाना। ये सब भी काफ़ी तगड़े पोकेमॉन्स हैं, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया तो इन पे वीडियो तो भाई अब खैर भूल जाओ। इनके अलावा बॉक्सेस में, शाइनी बॉक्सेस में आया है इस बार शाइनी पालकिया, बहुत तगड़ा रहेगा। शाइनी आर्शियस भी सुपर स्ट्रॉन्ग रहेगा, लेकिन मेगा इवॉल्व नहीं होता तो मेरे हिसाब से रहने देना। शाइनी स्लैकिंग तो भाई कोई मतलब नहीं, शाइनी आर्शियस ज़्यादा बेटर रहेगा उसके कंपैरिजन में। और शाइनी कायोग्रे, तो भाई शाइनी कायोग्रे और शाइनी पालकिया दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग वाटर टाइप हैं और दोनों ही मेगा इवॉल्व होते हैं। तो इन दोनों में से कोई सा भी अगर आप ले लेंगे तो चांदी हो जाएगी। लेकिन शाइनी बॉक्सेस में दिक्कत यही रहती है, पूरा लक बेस्ड रहता है गेम। किस्मत होगी तो निकल जाएगा एक दो बॉक्सेस में, किस्मत नहीं होगी तो 30 के 30 बॉक्सेस खरीदने पर भी नहीं मिलेगा। इसके बाद 120 टोकन्स में जो शाइनीज आए हैं, इनमें शाइनी मचैम्प, शाइनी माइलोटिक और शाइनी स्वैम्पर्ट। इन तीनों में भाई शाइनी स्वैम्पर्ट सबसे बेस्ट है, सिर्फ एक वीकनेस है ग्रास टाइप, लेकिन 4 टाइम्स वीक है ग्रास टाइप से, लेकिन फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, इससे बेटर नहीं मिलेगा। इसके बाद 160 मिथिकल पोकेमॉन्स के जो शाइनी, इनमें शाइनी मैनफी और शाइनी डार्कराय। तो शाइनी डार्कराय मेगा इवॉल्व नहीं होता तो मेरे हिसाब से आपको शाइनी मैनफी ही लेना चाहिए, बहुत तगड़ा स्पेशल अटैकर बनता है मेगा इवॉल्व होने के बाद। साथ ही साथ ये एक तगड़ा स्पेशल अटैक बूस्टर मूव भी सीखता है टेल ग्लो, जिसकी वजह से इसका स्पेशल अटैक +3 हो जाता है सीधा सीधा स्वॉर्ड डांस, जबकि फिजिकल अटैक +2 करता है, ये मूव सीधा +3 करता है भाई। और बाकी ज़्यादा इसके बारे में डिटेल जाननी हो तो इस पर वीडियो बना चुका हूँ मैं, वो देख लेना। स्वैम्पर्ट पे वीडियो बना चुका हूँ, वो भी देख लेना स्वैम्पर्ट के बारे में अगर डिटेल्स चाहिए हो तो। इसके बाद 160 के लेजेंड्रीज में है गेरेटीना, ग्राउडॉन और डियाल्गा। इन तीनों पर ही वीडियो बना चुका हूँ, देख के आपको इन तीनों के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। बट मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए ग्राउडॉन और डियाल्गा में से कोई, क्योंकि तो ये दोनों ही मेगा इवॉल्व होते हैं, गेरेटीना मेगा इवॉल्व नहीं होता। इनके शाइनी वर्जन्स के बारे में भी सब कुछ, सेम सारे बेस्ट मूव सेट्स, रुइन सेटअप सब कुछ आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। तो जल्दी से जल्दी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जितने भी आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप्स हों सब में शेयर कर दो, ताकि हमारी वीडियो को अच्छी रीच मिले, अच्छा सपोर्ट मिले। और हाँ भाई, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ इसके लिए भी प्रार्थना करना भगवान से, ताकि फिर मैं वापस से डेली वीडियोस बना सकूँ आप लोगों के लिए। और हाँ, कमेंट करके बताना आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। तो भाई ये है 80 टोकन्स में अवेलेबल होने वाला येल्लो सैल्मन्स, जिसकी टाइपिंग है ग्राउंड और ड्रैगन, जो कि काफ़ी अच्छी टाइपिंग है वैसे देखा जाए तो। बट इसकी भी अपनी कुछ वीकनेसेस हैं, ग्राउंड और ड्रैगन टाइप की वजह से भाई ये 4 टाइम्स वीक है आइस से, 2 टाइम्स वीक है ड्रैगन टाइप से, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसको रेजिस्टेंस भी मिल जाते हैं। अब ये सब के बाद देखा जाए तो ये रेजिस्ट कर जाता है पॉइजन टाइप को, रॉक टाइप को, इलेक्ट्रिक टाइप से इम्यूनिटी मिल जाती है इसको, और
इसके अलावा फायर टाइप को भी रिजिस्ट कर जाता है ये, और फिलहाल तो यही सब है इसके रेजिस्टेंस और वीकनेसेस। और हाँ, आइस ड्रैगन के अलावा फेरी ड्रैगन टाइप की वजह से ये फेरी टाइप से भी 2 टाइम्स वीक होता है। तो ये सारी थी इसकी वीकनेसेस। इसके बाद इसके स्टैट्स 610 स्टैट्स हैं, नॉर्मल सैलेमंस के 600 होते हैं, इसके 610 हैं। अटैक जा रहा है इसका 139, जो कि काफ़ी अच्छा है, लेकिन स्पेशल अटैक भी 112 जा रहा है। दोनों लगभग 19-20 है, तो आप इसको फिजिकल अटैकर भी बना सकते हो, स्पेशल अटैकर भी बना सकते हो। स्पीड काफ़ी अच्छी है इसकी 102, और डिफेंसेस तो 80 82 हैं, सब ठीक ठाक ही है। अगर आप इसको फिजिकल अटैकर बना रहे हो भाई अब, तो इसको देना आप एडम्प्ट नेचर, और अगर स्पेशल अटैक बना रहे हो, स्पेशल अटैकर बना रहे हो, तो दे देना इसको मॉडस्ट नेचर, क्योंकि दोनों ही स्टैट्स 19-20 जा रहे हैं इसके। लेकिन मेगा इवॉल्व होने के बाद इसका फिजिकल अटैक ज़्यादा बढ़ेगा स्पेशल अटैक के कंपैरिजन में, तो हम ये गारंटी ले सकते हैं कि इसको फिजिकल अटैकर ही बनाना है, क्योंकि फिजिकल अटैक वैसे ही थोड़ा ज़्यादा है 20-22 पॉइंट्स, और मेगा इवॉल्व होने के बाद वही स्टैट्स अब ज़्यादा बढ़ रहा है, तो फिजिकल अटैकर ही बनाना है। और इसके पास एबिलिटी है इंटिमिडेट और इनर फोकस, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है मेगा इवॉल्व होने के बाद इसे मॉक्सी एबिलिटी भी मिलेगी, जिसकी वजह से हर अपोनेंट को नॉकआउट करने पे इसका फिजिकल अटैक बूस्ट हो जाएगा। तो इसको फिजिकल अटैकर ही बनाते हैं भाई, वही सबसे बढ़िया रहेगा इसके लिए। फिजिकल मूव्स दो, रूइंस दो अटैक और स्पीड टाइप के, सिर्फ ये दो टाइप के रूइंस देना, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे और फास्ट भी रहे, ताकि कोई अपोनेंट आए उसको एक दो हिट में पहले अटैक करके निपटा दे और अपना अटैक बूस्ट कर ले। 2-3 मॉक्सी बूस्ट के बाद भाई ये बंदा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि मतलब आने वाले पोकेमोन्स को 1 हिट KO ही कर देगा बड़े आराम से। तो स्टैट्स देख लिए, एबिलिटी देख ली, टाइपिंग देख ली, सब देख लिया। अब देख लेते हैं इसके मूव सेट्स। तो भाई मूव सेट्स तो काफ़ी अच्छे खासे सीख सकता है ये। मेरे हिसाब से तो भाई फ्लाई तो दे देना इसको, 2 टर्न मूव है, कभी कभी 2 टर्न मूव भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं। बाकी अर्थक्वेक देना ही देना, और इसके बाद ड्रैगन क्लो दे देना, और चौथा मूव जो आपको ठीक लगे वो दे देना। अगर ये स्वॉर्ड डांस सीख पाए तो स्वॉर्ड डांस दे देना, वरना हेडबट भी बहुत तगड़ा रहेगा इसके साथ। तो ये रहे इसके बेस्ट मूव्स मेरी साइड से, बाकी आप देख लेना जो भी आपको बेस्ट मूव सेट लगे इसके साथ वो दे देना। अब बात करते हैं, वैसे मेन सबसे ज़्यादा डैमेज तो ड्रैगन क्लॉ और अर्थक्वेक ही देगा, वो दो ही दे देना। अब बात करते हैं इसके स्पेशल मतलब शाइनी वर्जन की, जिसमें इसका यहाँ भी इसका स्पेशल अटैक और फिजिकल अटैक में थोड़े बहुत पॉइंट्स का ही फर्क है, बट डिफेंसेस पहले से थोड़े से बेटर हो गए हैं, स्पीड और ज़्यादा बढ़ गई है, 90 पॉइंट बढ़े हैं यार। यहाँ भी लगभग सब कुछ सेम ही रहेगा जैसा मैंने नॉर्मल वर्जन के लिए बताया। और शाइनी के भी स्टैट्स मतलब फिजिकल अटैक ही सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है मेगा इवॉल्व होने के बाद नॉर्मल वर्जन की तरह, हालांकि लुक में नॉर्मल वर्जन ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो अब बात करते हैं ग्रीन लूना ला की, जो कि अवेलेबल होगा 200 टोकन्स में। ये 80 180 में अवेलेबल होंगे पहले वाले दोनों, ये होगा 200 टोकन्स में। इसके स्टैट्स हैं 710, जिसमें इसकी HP बहुत ज़्यादा सही है, डिफेंसेस भी ठीक ठाक है, और यहाँ भी अटैक स्पेशल अटैक में 19-20 का डिफरेंस आ रहा है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्टैट्स वेस्ट हो रहे हैं। 145 स्पेशल अटैक जा रहा है इसका, और टाइपिंग काफ़ी ज़्यादा बकवास है, साइकिक और बग टाइपिंग जो है काफ़ी ज़्यादा रद्दी टाइपिंग है, क्योंकि तो ये दोनों टाइप्स की काफ़ी ज़्यादा वीकनेसेस हैं। इम्यूनिटी तो मुझे नहीं लगता कोई सी भी होगी। अब भाई ये है डार्क टाइप से 2 टाइम्स वीक, फायर टाइप से 2 टाइम्स वीक, गोस्ट और बग से भी 2 टाइम्स वीक, और रॉक टाइप से भी 2 टाइम्स वीक, और ये सब के बाद फ्लाइंग टाइप से भी 2 टाइम्स वीक। तो ये सारी थी इसकी वीकनेसेस। अब भाई ये रेजिस्ट करेगा साइकिक टाइप, फाइटिंग टाइप,
फाइटिंग टाइप को तो 4 टाइम्स रेजिस्ट करेगा, ग्राउंड टाइप और ग्रास टाइप, ये 3-4 टाइपिंग्स को रेजिस्ट करेगा और बाकी काफ़ी सारी टाइपिंग्स से भी मतलब सुपर इफेक्टिव होंगे काफ़ी टाइप के मूव्स इसके अगेंस्ट। मेगा इवॉल्व होने के बाद इसका फिजिकल अटैक कम हो जाएगा और स्पेशल अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो चलो कम से कम मेगा इवॉल्व होने के बाद इसके स्टैट्स थोड़े से बेटर हो जाएंगे जैसे अभी दिख रहे हैं। मे बी अटैक इसका 120 से 110 या और कम हो जाए और स्पेशल अटैक में ऐड हो जाए और बाकी सारे स्टैट्स भी इसके बढ़ेंगे। तो मेगा इवॉल्व होने के बाद ये थोड़ा अच्छा हो जाएगा। एबिलिटी देख लें तो स्टडी अच्छी एबिलिटी है, 1 हिट KO नहीं होगा। अनअवेयर बेस्ट एबिलिटी रहेगी इसकी, जिसकी वजह से अपोनेंट के स्टैट्स चेंज को स्टेट क्या जो भी आप प्रनाउंस करते हो स्टैट चेंजेस को ही इग्नोर कर देगा। मतलब अपोनेंट ने डिफेंस कल यूज़ करके अगर अपना डिफेंस इंक्रीज किया हो तो ये इग्नोर कर देगा कि उसका डिफेंस इंक्रीज हो गया और उसका जो नॉर्मल डिफेंस रहेगा उसके बेसिस पे ही अटैक करेगा। अपोनेंट ने ड्रैगन डांस, स्वॉर्ड डांस कुछ भी यूज़ करके अपना अटैक सेट इंक्रीज किया हो और इस पर अटैक कर रहा हो तो जो उसका नॉर्मल अटैक रहेगा उसी का डैमेज इसको होगा। उसने जो अपना अटैक इंक्रीज किया होगा ये सारे मूव्स को यूज़ करके उनका वो सबको इग्नोर कर देगा। तो भाई ये एबिलिटी बहुत तगड़ी रहेगी। इसके बाद एक और एबिलिटी है इसकी शैडो शील्ड, ये भी बहुत ज़्यादा शानदार है। जब इसकी फुल हेल्थ होगी मतलब HP इसकी फुल होगी तो इस पर किया हुआ कोई भी हमला कोई भी अटैक इसे बहुत कम डैमेज देगा नॉर्मल से, मतलब समझ लो आधा डैमेज देगा एक तरह से, जिसकी वजह से इसको KO नहीं कर पाएगा कोई भी 1 टर्न में। तो ये भी काफ़ी शानदार एबिलिटी रहेगी। इसके बाद है इसके पास अडैप्टबिलिटी, मतलब सेम टाइप के मूव सुपर इफेक्ट मतलब डबल डैमेज देंगे। मतलब देखा जाए तो बग और साइकिक टाइप के मूव्स अपोनेंट को दोगुना डैमेज देंगे, लेकिन बहुत कम पोकेमोन्स है जो इन टाइपिंग से वीक है। इसके बाद लेविटिएट है, वो भी काफ़ी अच्छी एबिलिटी है जो इसको ग्राउंड टाइप के मूव से इम्यून बना देती है। तो मेरे हिसाब से अनअवेयर बेस्ट एबिलिटी रहेगी इसके लिए, या शैडो शील्ड ये भी दे सकते हो आप ताकि ये 1 हिट KO ना हो। इसके बाद इसको अगर रुइंस देने हो तो भाई HP और स्पेशल अटैक वाले रुइंस देना, क्योंकि भाई ये टाइपिंग इसकी बहुत रद्दी है जिसकी वजह से ये काफ़ी इजीली निपटा जा सकता है। इसलिए अगर आप इसको ले रहे हो मेरे हिसाब से तो मत ही लेना, क्योंकि नेक्स्ट इवेंट में इससे बेटर पोकेमॉन आ जाएगा, जो भी आएगा इससे तो बेटर होगा। मतलब इस पोकेमॉन में कोई ख़राबी नहीं है, देखा जाए तो सब कुछ अच्छा है, बस जो टाइपिंग है उसकी वजह से पूरा वाट लग गई है इसकी। अब मूव सेट्स देख लें ज़रा, स्पेशल अटैक्स ही देने इसको। तो अगर भाई कॉस्मिक पावर ही सीख पाए तो उससे बेटर कुछ नहीं रहेगा। HP के रुइंस मिलेंगे जिसकी वजह से इसकी HP बढ़ जाएगी काफ़ी ज़्यादा। फिर कॉस्मिक पावर अगर आप यूज़ करते हो तो इसके डिफेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़े आएंगे और काफ़ी अच्छा पोकेमॉन रहेगा फिर, मतलब अच्छा परफॉर्म करेगा भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। इसके बाद आप इसको नाइट शेड दे सकते हो। नाइट शेड एक्चुअल में अपोनेंट की मतलब आपके पोकेमॉन की जो लेवल होगी उतना डैमेज देता है ये, मतलब वो इस अटैक की पावर हो जाएगी। इसके बाद एयर स्लैश एक्यूरेसी का हमें शैडो बॉल दे देना, साइकिक दे देना, मूनलाइट दे देना भाई ताकि ये हील होता रहे। इसके बाद सिल्वर विंड दे सकते हो भाई, सिल्वर विंड भी बहुत तगड़ा मूव है, 5 बार यूज़ कर सकते हो लेकिन 10 या शायद 30% चांसेस रहते हैं कि ये सारे स्टैट्स इंक्रीज कर देगा। सिल्वर विंड भी अच्छा मूव रहेगा, सिग्नल बीम भी अच्छा रहेगा, 10% चांस रहता है अपोनेंट को कंफ्यूज करने का, लेकिन सिल्वर विंड दे देना। अगर इसके स्टैट्स इंक्रीज हो गए तो भाई धूम मचा देगा ये पोकेमॉन। तो कॉस्मिक पावर, साइकिक, शैडो बॉल, सिल्वर विंड ये बेस्ट मूव्स रहेंगे। मूनलाइट बाकी आपको जो मूव्स बेटर लगे इसके लिए वो दे देना। अब बात करते हैं इसकी शाइनी वर्जन की जो 800 टोकन्स में है। भाई इसके स्टैट्स जा रहे हैं ऑफ द चार्ट, सच में स्टैट्स ऑफ द चार्ट जा रहे हैं।
बहुत ज़्यादा बल्की है भाई, एचपी देख रहे हो आप इसकी 155, अटैक 138। बहुत बड़ी गलती हो रही है कि अटैक 138 है, वो स्टैट्स कहीं और डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो बहुत ज़्यादा बेटर पोकेमॉन हो सकता था। स्पेशल अटैक 163, बाकी डिफेंसेस वगैरह सब अच्छे हैं। और जैसे नॉर्मल वर्जन में इसका अटैक कम हो रहा है मेगा इवॉल्व होने पे, वहीं शाइनी वर्जन में इसका अटैक कम नहीं हो रहा है, इसका अटैक उतना ही रहेगा, बाकी सारे स्टैट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। और जहाँ नॉर्मल वर्जन में इसका स्पेशल अटैक इंक्रीज़ हो रहा है, वहीं शाइनी वर्जन में इसका स्पेशल डिफेंस और स्पीड इंक्रीज़ हो रही है। तो जहाँ इसका शाइनी वर्जन मतलब नॉर्मल वर्जन लूनाला का स्पेशल अटैक का रहेगा तगड़ा वाला, वहीं ये इसका शाइनी वर्जन थोड़ा बल्की टाइप का रहेगा स्पेशल डिफेंसेस की साइड। तो मेरे हिसाब से इसका नॉर्मल वर्जन ले लेना अगर ले रहे हो तो, वरना तो मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है इस पोकेमोन को लेने का। तो बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। मिलते हैं अगली बार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।